तो भाई हम लोग हैं अभी क्राइम पेट्रोल के सेट से बिल्कुल लाइव, और आज किस्मत से हमारे साथ है क्राइम पेट्रोल की बहुत ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मेहंदी हसन। हाँ भाई, बोलना क्या है, किस टाइप का है, कोई वीडियो यूट्यूब पे डाल दो। हाँ, अरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं यूट्यूब पे यार। हाँ तो वही तो, हम जो बोलेंगे ना वो मतलब मैं सवाल ऐसा पूछूंगा ना कि इतना एक्सपीरियंस है कि ऐसे बैठे बैठे घंटों बोल सकते हो। ऐसे पहले रिहर्सल कर लेते ना, ये भी अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है, पता है, डेली सॉक का। अच्छा हाँ भाई, अरे हम तो एपिसोडिक है, तो बाबा डेली सॉक वाला इसको लो। कोई नहीं, बस मैं यहाँ से सीधा आपके ही पास आऊंगा क्योंकि पूरा प्रोसेस है। तो भाई देखो, ये क्या है ना कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके और मैसेज करके पूछते हैं कि एक तो पहले तो उनको क्राइम पेट्रोल में काम करना है, तो मुझे आप ये बता दो कि जब भी आप किसी एक्टर को कास्ट करते हो क्या देखते हो और कैसा चाहिए होता है आपको, खासकर क्राइम पेट्रोल के लिए? यार देखो क्या होता है ना, देखना वेखना कुछ नहीं होता, अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छे एक्टर, हाँ अच्छे एक्टर होते हैं, उनको काम जल्दी मिल ही जाता है। ओके, ये तो है ही, अच्छे एक्टर। उसके बाद उसके कुछ लुक्स होते हैं, अगर हमें कोई मतलब अभी जैसे हमने कुछ, आप जो शूट कर रहे हो, हाँ, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं तो आप उनको देखोगे तो आपको रियली कैरेक्टर लगेंगे, ठीक है? ओके, तो मतलब रियल कैरेक्टर वाले चेहरे आप खासकर इसके लिए ढूंढते करते हैं, क्राइम पेट्रोल वाले चैनल हो या क्रिएटिव जो भी। अच्छा, लेकिन जब आप कास्टिंग करते हो तो बॉम्बे के एक्टर को ज्यादा उठाते हो? यार हम तो चाहते हैं कि दुनिया भर से टैलेंट उठाए, पर प्रोडक्शन नहीं चाहते ना वो। हाँ, सिर्फ बॉम्बे के एक्टर को ही लेना चाहते हैं क्योंकि बाहर के एक्टर को लाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर बाहर के लोग अगर हैं, बाहर बहुत अच्छा एक्टर है, लखनऊ में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, अब वो अगर करना चाहे तो? यार अच्छा एक्टर होगा तो डेफिनेटली करेगा ना। नहीं तो वो कैसे, मतलब क्या करे फिर, वो बॉम्बे आ जाए या फिर? बॉम्बे आ जाए या आजकल आउटडोर भी शूट बहुत होते हैं, कुछ छोटा मोटा करेगा तो डेफिनेटली उसका थोड़ा, यहाँ बॉम्बे में अगर कुछ लोग हैं हाँ तो उनको देख लेंगे, तो यहाँ बुला सकते हैं अगर उसके लिए कुछ काम है तो। तो जो आउटडोर में, तो मतलब पूरी कास्टिंग फिर आप आउटडोर जाके ही करते हो, जैसे लखनऊ की स्टोरी है? अभी क्या होता है ना, अगर हम एपिसोडिक शूट कर रहे हैं आउटडोर में हाँ, तो कुछ एक्टर लीड के हम बॉम्बे से ही लेके जाते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है वो हम लोकल से ही कास्ट कर लेते हैं। तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करें आप? वो वहाँ पे कुछ लाइन प्रोड्यूसर या कोई कोऑर्डिनेटर हम हायर करते हैं हाँ, तो उसके थ्रू वो हम कास्ट चालू कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली कोई मेल कर सकता है, जैसे बाहर का कोई? हाँ, मेल कर सकता है, मेरी ईमेल आईडी है india1casting@gmail.com। ठीक है, वो डाल देता हूँ। फोन नंबर डाल सकता हूँ? फोन नंबर डाल सकते हो वैसे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, देखो फोन नंबर तो मैं डाल दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि ज़्यादातर आप ईमेल ही करो भाई, थोड़ा साइलेंस। कोशिश करना कि आप ईमेल पे ही अपना प्रोफाइल भेजिए, क्योंकि ईमेल आदमी तब देखता है जब वो रियल में उसको ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन नंबर डाल दूंगा तो फिर तो बाढ़ आ जाएगा व्हाट्सएप पे, तो इसीलिए व्हाट्सएप पे बाद में ट्राई करना। और कुछ सवाल रह गया अभी? तो मैंने तो पूछ लिया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाह रहे हो एक्टर के लिए। कुछ यही है कि यार आप बॉम्बे अगर आओ और अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो पूरे प्रॉपर तरीके से आना, सब कुछ सीख के, थिएटर वगैरह करके। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एक्टर ऐसे भी देखे हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं बेचारे, फिर यहाँ पर स्ट्रगल तो आपको भी पता है वेद भाई कितना है, स्ट्रगल तो है। लोगों को ऐसा लगता है कि काम देना नहीं चाहता कोई हाँ, बट काम देने से पहले काम आना भी चाहिए आदमी को। तो मेरे जो भी बॉम्बे से बाहर एक्टर हैं, मेरे दोस्त वगैरह, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि यार आप पूरे तैयारी करके आना बॉम्बे जब भी आओ, क्योंकि युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले तैयारी करनी होती है, ऐसे ही उतर गए तो मारे जाओगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल याद आ रहा है मुझे। जी भाई, कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे चेहरे ऐसे घूमते रहते हैं, वही पुराने चेहरे क्राइम पेट्रोल में दिखते रहते हैं, वही खूनी, वही कतली, वही हीरो बन रहा है। तो अगर कोई नया बंदा आना चाह रहा हो, नया बंदा ठीक है, एक्टर भी अच्छा है, बट ये होता है कि उसने क्राइम पेट्रोल किया है तो वो अच्छे से चल जाएगा, कर ले जाएगा, बट जो बॉम्बे में एकदम ही नया है वो कैसे और क्या रोल उसको मिलेगा अगर वो शुरुआत करता है तो? अच्छा देखो क्या होता है ना, अभी आपको पता होगा, आपने इतना सारा क्राइम पेट्रोल किया है हाँ, कि सीन्स इतने सारे होते हैं ना, अगर ये नए बंदे को चांस देना चाहे वो 1% इधर उधर हो गया तो इनके पास टाइम तो कम होता है हाँ, तो रिपीट चेहरे तो इसलिए होते हैं कि इनको सबको पता होता है कौन कितने कैपेबल है हाँ, ठीक है, तो इसलिए हाँ, ये उन रिपीट लेते हैं। और नए चेहरे आते हैं तो यहाँ पर सब ऐसे ही आए हुए हैं कि भाई आपने पहले दो सीन किए,
दो के बाद अपना अगर अच्छा किया तो क्रिएटिव या चैनल को अच्छा लगा तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम रिकमेंड किया कि भाई अब इसको 5 सीन दे के देखते हैं। पर ऐसे ऐसे करके आप जल्दी आगे निकल जाओगे, लीड करने लगोगे। बट आपको पता है सब चीज़ें कि इतना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे इतने सारे सीन्स होते हैं। तो शुरुआत में किस तरह का कैरेक्टर मिलेगा उनको? देखो पहले तो क्या, हम कास्टिंग जो भी करता होगा, मैं या कोई और भी, तो एक ऑडिशन करेंगे। ऑडिशन के बाद हम डिसाइड करेंगे भाई अच्छा किया है तो कुछ भाई का या किसी का भी एक कैरेक्टर देखे, 3-4 सीन्स का देखते हैं, उसको देखते हैं सेट पे कैसा करता है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है सेट पे, प्रोडक्शन के साथ। करेक्ट। उसके बाद उसको फिर नेक्स्ट टाइम हम सोचते हैं कि यार बंदा अच्छा है सेट पे हर चीज़ के लिए, एक्टिंग में, नेचर में, तो उसको फिर हम चैनल को बोल के अच्छा काम दिला देंगे। मतलब नेचर अपना हमेशा अच्छा रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड। एक्टर भले आप थोड़ा सा कम ऊपर नीचे चलेगा, इंसान अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आई थिंक हर फील्ड में। तो बस अभी शायद मेरा सीन लगने वाला है तो मैं भी निकलता हूँ। थैंक यू मेहंदी भाई, आपने बहुत मच इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब दिया है। और मैं आप लोगों को नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिन जिन लोगों को ट्राई करना है भाई प्रोफाइल भेजिए, अपनी किस्मत आजमाइए, बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। कहीं पे रजिस्ट्रेशन का या फिर कोई आपसे पैसा मांगता है बाहर जा करके तो वो पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपने नाम पे बिल्कुल, अपने नाम पे बिल्कुल नहीं। हाँ, क्राइम पेट्रोल के नाम पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं पे भी कोई पैसा नहीं खाता है बीच में ऐसा क्राइम पेट्रोल के लिए। तो बस अपने रिस्क पे काम कीजिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। हाँ भाई कपड़े ले आओ।